हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूप्स ब्यूटी हब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियों में बिजी होंगे। तो आज का जो हॉल है मेरा वो है पर्पल हॉल, जिसका की जिक्र मैंने आपसे कई बार अपने वीडियोस में किया है कि मैं पर्पल हॉल लाने वाली हूँ। लेकिन गाइज वो डिले 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 होता ही चला जा रहा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से मैं उसको लेकर नहीं आ पाई। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम थी। तो वैसे स्टॉप में बड़ी मोटी लग रही हूँ ना मैं, चबी चबी। कोई कोई टॉप होते हैं जिसमें हम मोटे लगते हैं, कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें क्या दुबले लगते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी मोटी लग रही हूँ। प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर मैं मोटी लग रही हूँ कि नहीं। फिलहाल मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं वेट बढ़ गया है मेरा पहले से। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाए हैं पर्पल से। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले जो मैंने मंगवाया है वो है मेरा, मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि ये बबल रैप पैकेजिंग करके देते हैं, और पर्पल वाले बहुत ही जल्दी, गाइज इन लोगों की डिलीवरी बहुत ही फास्ट रहती है। मैंने अभी तक अगर सबसे अच्छा मुझे अगर लगता है मतलब जैसे प्रोडक्ट बहुत जल्दी जिसके रिसीव होते हैं, तो वो या तो है मिंत्रा, उसकी भी डिलीवरी बहुत ही फास्ट करते हैं वो लोग, या तो फिर मुझे पर्पल। ये दो वेबसाइट ऐसे हैं ना जिसके मतलब बहुत ही जल्दी डिलीवरी होती है। और जो मैं बोल रही थी ना कि मेरी वीडियो लेट हो गई, वो मेरी वीडियोस लेट हुई है इस बार अमेज़न के चक्कर में। अमेज़न से मैं आज से नहीं, मुझे लगता है बहुत टाइम से, जब से मैंने मतलब मेरी स्टार्टिंग ही अमेज़न से थी ऑनलाइन शॉपिंग अगर मैं कहूँगी तो, मैंने सबसे पहले अमेज़न से ही शुरुआत की थी ऑनलाइन शॉपिंग की। और मेरे को अमेज़न पे मतलब मैं बहुत ट्रस्ट, मतलब ये समझ लीजिए मैं ट्रस्ट करती हूँ अगर सबसे ज़्यादा तो वो अमेज़ॉन पे। क्योंकि एक होता है ना, आप पहले जिस पे शुरुआत आपने जिससे चीज़ से की होती है, तो वो आपको मतलब एक उस पर भरोसा हो जाता है आपको। तो मुझे अमेज़ॉन बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा उसी से ही प्रोडक्ट ज़्यादातर मंगवाती हूँ। पर्पल मैंने अभी साल भर हो गया मुझे पर्पल से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, बहुत टाइट पैकेजिंग कर रखी है। तो इस बार जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ वो हुआ अमेज़ॉन के चक्कर में। एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन से भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए और मैंने पर्पल से भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए। यार ये तो बहुत ज़्यादा पैक है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो ये तो गाइस मैंने जो मंगवाया है वो है मामा अर्थ का फेस टोनर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये है मामा अर्थ विटामिन सी फेस टोनर विथ विटामिन सी एंड कुकम्बर फॉर पोर टाइटनिंग, एल्कोहल फ्री, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड, सूट ऑल स्किन टाइप। तो इसकी जो नेट कंटेंट है इसका 200 ml, और इसकी MRP है 399। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये है। सेकंड प्रोडक्ट पे मैं आती हूँ। तो सेकंड प्रोडक्ट जो मेरा है वो है स्टेकवर्की का। ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्टेकवर्की ने, स्टेकवर्की स्टे चिकी गर्ल ब्लश। तो ये है ब्लशर जो कि मैंने अभी अपने फेस पे मैंने इसी को अप्लाई किया है। तो गाइज ये है मैंने जो मंगवाया, इसमें 5 शेड्स आते हैं। मैंने मंगवाया है पिंक दीवा 1। तो इसमें ऐसे ऐसे अलग अलग शेड्स आते हैं 5 तक। तो मुझको ये अच्छा लगा तो मैंने ये वाला मंगवाया, थोड़ा डार्क इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, ऊपर से कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में रहता है। ये देखिए गाइस, आप देख रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये। तो प्राइस मुझे याद नहीं है, क्योंकि जो इस पे MRP है मुझे ये इससे कम में मिला है। क्योंकि जब मैंने मंगवाया था ये MRP इसकी 270 है, बट मुझे ये कम में मिला था। क्योंकि जब मैंने ये मंगवाया था, मुझे ये बहुत टाइम हो गया गाइस ऑर्डर किए हुए, मुझे लगता है कि 25 या 30 डेज तो हो ही गए होंगे। तो वही मैं आपको बता रही थी कि इस बार मेरा, मैंने इसको और अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को साथ में ही ऑर्डर किया था। ये मेरा 3rd डे रिसीव हो गया था मुझे, इन लोगों ने मेरे को, पर्पल वालों ने 3rd या 4th दिन मेरे को रिसीव हो गए थे प्रोडक्ट्स। अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स मुझे कल रिसीव हुए हैं गाइस,
पूरा 1 मंथ मेरा लग गया। और मैं इस चक्कर में थी कि मैं दोनों के साथ में ही वीडियो शूट कर दूंगी, दोनों का एक बार में ही आपको दिखा दूंगी, क्योंकि अलग अलग वीडियो से अच्छा मैं एक साथ ही आपको वीडियो मतलब दिखा दूंगी सारे प्रोडक्ट्स। उस चक्कर में करते 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 1 मंथ बीत गया और उस टाइम उस पर सेल चालू थी, और फिर सेल खत्म होके अभी दोबारा से सेल चालू है। अगर आप चाहते हैं इसमें से कुछ भी लेना तो पर्पल पे गाइस बहुत ही अच्छी सेल चालू है, 40-50% तक आपको ऑफ मिल रहा है, और किसी किसी पे आपको बाय टू गेट वन फ्री ऐसे ऐसे मतलब कई सारे उसमें ऑफर्स हैं। तो आप जाके चेकआउट करिए। इन जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी इनके सबके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सेकंड प्रोडक्ट मेरा ये था, और मैं सबके रियल जो प्राइस होंगे वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद गाइस आपने ये तो मेरा देखा ही होगा, ये है फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर। तो ये मैंने कई बार आपने देखा होगा, मैं यूज करती हूं, लेकिन शायद इसका भी मैंने अभी तक आपको मतलब आपके साथ शेयर नहीं किया था इसके रिव्यू, तो वही मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखाऊं। तो ये 100ml की क्वांटिटी में आता है, ये पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरीके से है, और बहुत ही अच्छा है गाइस, आप तो देख ही रहे होंगे मैंने जब से मतलब शुरुआत की है मैं इसी से ही, अभी हर मेरे वीडियो में आपको ये जरूर दिखता होगा। तो ये 649 MRP है इसकी, और मुझको लगता है ये मुझे 575 ऐसे समथिंग मिल गया था, मैं इसका रियल प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये फेसेस कैनेडा का था, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड गाइस है ये स्टेक वर्की की मिनी लिपस्टिक, हाँ स्टेक वर्की मिनी लिपस्टिक, जो कि बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग में आती है, आप देखिए, और लिक्विड बेस्ड लिपस्टिक है ये, यहां पे दिखाती हूँ, गाइस बहुत ही सुंदर शेड है, और लगाने के बाद ना आपको एकदम लाइट वेट फील होता है, ऐसा कुछ भी लगता है कि मैं बहुत सारा लगा लिया है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, 159 या 160 में मुझे मिल गई थी, फिर भी मैं जो इसका प्राइस होगा वो स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप लेना चाहते हैं, और अभी तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि अभी पर्पल में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो फोर्थ प्रोडक्ट मेरा ये था, नहीं थर्ड ही था शायद, जो भी है। उसके बाद गाइज मैंने मंगवाया है ये, तो ये है लिक्विड बेस आई शेडो ग्लिटर, ये देखिए, इसके साथ भी आपको जरूर मैं कोई ना कोई लुक शेयर करूंगी गाइज, आपको दिख नहीं रहा है शायद से, मैं जूम करती हूं, ये देखिए सिल्वर कलर का है गाइज, ये मैंने तो ये है स्विस ब्यूटी का, हाँ जी ये है स्विस ब्यूटी का, स्विस ब्यूटी लिक्विड आई शेडो, एंड इसका जो नंबर है नेट वेट 2.25 ml, MRP इसकी है 199, और शेड नंबर है 02 डायमंड डस्ट। तो मुझको ये 199 इसकी MRP है, तो मेरे ख्याल से 150 तक मिल गया होगा, इसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो गाइस है वो मेरा फेवरेट, इसको मैं बहुत टाइम से मंगवाना चाह रही थी, पर जब भी मैं देखती थी आउट ऑफ स्टॉक, और ये आप देख रहे हैं ये जो मेरे न्यू बाल है ना, ये जो न्यू ग्रोथ आई है ये वो है, और ये मुझे इतना इरिटेट करता है, मैंने इसको ऐसे किया था लेकिन ये फिर ऐसे हो गए। ये है पर्पल का लिप बाम गाइस, सर्दियां आ गई हैं, बहुत बुरा हाल है मेरी स्किन का, लिप्स बहुत फट रहे हैं, स्किन बहुत खिंच रही है। तो लुक एट द पैकेजिंग, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग में आता है गाइस, मुझे मेरा फेवरेट है ये पर्पल लिप बाम। तो ये है पर्पल चाइल्डहुड बेस्टी लिप बाम, तो इस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है, एंड इसका प्राइस जो है, और ये है बटर स्कॉच 12 ग्राम, इसकी 12 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, एंड 155 इसका MRP है, बट मेरे को ये पूरा याद है ये मुझे 132 में मिला है, और इस तरीके से ये आता है,
इसको अप्लाई करने का फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है इसकी पैकेजिंग अच्छी लगती है। आपने खोला, लगाया, दैट्स इट। तो ये है पर्पल का लिप बाम। उसके बाद जो हमने मंगवाया है वो आपने मेरा देखा ही है पहले भी, मेरा शैम्पू एंड कंडीशनर खत्म हुआ था मामा अर्थ का। तो गाइस शैम्पू मैंने खोल दिया है क्योंकि मेरे पास आज शैम्पू करने के लिए शैम्पू पूरा ही खत्म हो गया था, तो शैम्पू मैंने खोला, आज ही खोला इसको। कंडीशनर नहीं खोला है क्योंकि कंडीशनर पहले वाला बचा हुआ है। तो ये पिछली बार भी मैं अनियन वाला ही मंगाने वाली थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो आपने देखा था ना जिसका मैंने रिव्यू किया था, मैंने वो वाला मंगवाया था। और इस बार जो मैंने मंगवाया है वो है मामा अर्थ अनियन शैम्पू विद अनियन एंड प्लांट्स कैरेटीन। उसी के साथ मुझे ये दोनों कॉम्बो में मिला है और गाइज मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिले हैं ये। मतलब ये एक का प्राइस इसका है 349 एंड 349, और मुझको ये दोनों मिले हैं बोथ 548, मेरे ख्याल से 548, और नहीं तो मैं पूरी तरीके से याद नहीं हूँ, मतलब 600 के अंदर ही मिला है। तो इसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये इस टाइम पे मेरा बेस्ट शैम्पू अगर कोई है तो ये है, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। और मैंने ये अपने सिस्टर को भी बोला, उसको भी, उसके भी काफ़ी हेयर फॉल हो रहे थे, उसको भी बहुत, मतलब उसके बाल को भी काफ़ी मतलब लग रहा है कि अभी नहीं झड़ रहे हैं। फ्रेंड को रिकमेंड किया, उसने भी बोला हाँ यार अच्छे हैं। तो मतलब दो लोगों को बोला है मैंने, मम्मी को भी बोला है, मम्मी बोल रही है नहीं यार अभी तो समझ नहीं आ रहा। तो सबको सूट, अभी तक तो सबको सूट हुआ है, लेकिन भाई हो सकता है कि किसी को ना करे। तो ये मेरे प्रोडक्ट थे गाइस जो कि मैंने मंगवाए। नहीं एक और है, तो लास्ट प्रोडक्ट मेरा है ये है फेक नेल्स। ये है कॉट मी बॉन्जोर पेरिस, शायद मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ पता नहीं, कॉट मी बॉन्जोर पेरिस नेचुरल फिनिश क्विक स्टिक नेल्स 12 पीस के सेट में ये आता है। और इसके साथ मुझे आई फॉल्सेस मिले थे 1 पेयर जो कि मैंने यूज कर लिए। तो MRP इसकी है 199, और ये मैंने पहले ही मंगवाया था तो उस टाइम पे कोई भी ऑफर नहीं था तो मुझे ये 199 में ही मिला था। और इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ आपको 1 पेयर आई फॉल्सेस मिलेंगी, ग्लू आपको नहीं मिलता है, ग्लू आपको अलग से लेना पड़ता है, ना इसका ही ग्लू आपको मिलेगा ना आई फॉल्सेस का ही ग्लू आपको मिलेगा, वो आपको अलग से लेना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट्स थे गाइस जो मैंने मंगवाए, और ये समझ लीजिए 1 महीने से आगे मेरा सामान रखा था जिसका कि मैं आपके साथ आज हॉल मैंने शेयर किया है। और सारा का सारा मेरा जो हुआ लेट वो हुआ अमेजोन के चक्कर में, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए आए नहीं, हफ्ता 10 दिन बीत गया उन लोगों ने ना मुझे, उसके बाद मैंने जब देखा एक दिन तो पता लग रहा है कि मेरा ऑर्डर उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। इतना मेरा दिमाग खराब हुआ था ना उस टाइम पे। फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर प्लेस किया तो गाइस मुझे सारे प्रोडक्ट्स मुझे कल रिसीव हुए हैं, कल या आज मुझे ध्यान नहीं है, मतलब अभी ये समझ लीजिए आप मुझे अब जाके प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि वो और ये इतना सारा सामान हो जाएगा इसलिए मैं फिर 2 वीडियो शूट करूंगी। तो इसके नेक्स्ट बाद आपको मेरा अमेजोन हॉल देखने मिलेगा। तो पर्पल हॉल मेरा ये था गाइस, आपको कैसा लगा, कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।